अस्सलाम वालेकुम एवरीवन पीपल, इट्स मी एएमएस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ क्रिप्टो टॉक्स। तो यार आज ये हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में, जो कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। तो इंडिया ने जो है अभी तक स्क्वाड ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन इंडिया के स्क्वाड की जो प्रेडिक्शन है वो सामने आ चुकी है और हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम प्लेयर टू प्लेयर जो है कंपैरिजन भी करने वाले हैं कि किसकी टीम जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड कप के लिए। तो सबसे पहले जो हम पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कंफर्म है और अनाउंस भी हो चुके हैं। तो वो मेरे पास जो है यहाँ की लिस्ट है पड़ी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है फखर जमान और इमामुल हक जो है पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करेंगे। वन डाउन बाबर आजम आएंगे, उसके बाद जो चौथे नंबर पर मोहम्मद रिजवान को जो है भेजा जाएगा, और उसके बाद जो है इफ्तिखार अहमद इफ्ती मीनिया को भी जो है वर्ल्ड कप और एशिया कप स्क्वाड में रखा गया है। और इसके बाद आगा सलमान, शदाब खान, मोहम्मद नवाज, ये जो दो ऑलराउंडर है पाकिस्तान के, तो शदाब और नवाज दोनों स्पिनर्स को जो है टीम में रखा गया है। और इसके अलावा शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये तीन पेसर्स होंगे। तो इस स्क्वाड के साथ जो है पाकिस्तान अपना एशिया कप खेलेगा। वर्ल्ड कप में हो सकता है थोड़ी बहुत चेंजेस हों, लेकिन एशिया कप के लिए स्क्वाड जो है कंफर्म हो चुका है। और अगर हम इंडिया के स्क्वाड के बारे में बात करें तो आज है 20 अगस्त और कल है 21 अगस्त, तो इंडिया का जो स्क्वाड है वो कल अनाउंस होने वाला है। लेकिन अब तक की जो प्रेडिक्शंस है कि इंडिया किस स्क्वाड के साथ खेलने वाला है उसकी लिस्ट मेरे पास है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया की अगर ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा जो है ओपन करेंगे। वन डाउन विराट कोहली, फिर केएल राहुल के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो फुली फिट हो चुके हैं एशिया कप के लिए, तो उनका नाम भी जो है इस लिस्ट में है पड़ा कि केएल राहुल भी जो है एशिया कप में खेलेंगे। तो कंफर्मेशन जो है हम कल करेंगे जब इंडिया जो है अपना स्क्वाड अनाउंस कर देगा। और उसके बाद जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, सूर्या कुमार यादव, जो कि जडेजा और पांड्या के बाद में प्लेस किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि सूर्या कुमार यादव एक T20 प्लेयर है, तो उसको जो है एंड में भेजेंगे ताकि वो जो है हिटिंग कर सके और अपनी जो इनिंग्स ओडीआई की है वो बिल्ड कर सके। और सूर्या कुमार यादव के बाद नाम है कुलदीप यादव। जी हाँ बिल्कुल, कुलदीप यादव जैसे बाबर आजम को जो है दो बार आउट किया हुआ है, एक वर्ल्ड कप में और एक बार एशिया कप में, तो बाबर आजम के लिए एक और चैलेंजिंग चीज है ये कि कुलदीप यादव को जो है बाबर आजम ने फेस करना होगा एक बार फिर से। और बाबर वैसे भी स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाबर आजम के लिए एक खतरा हो सकता है कि कुलदीप यादव जो है वो इंडिया स्क्वाड में शामिल हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें सिराज, शामी और बुमराह, इन तीन पेसर्स के साथ इंडिया जो है अपना एशिया कप में आएगा। और बुमराह के अगर हम स्टैट्स की बात करें तो बुमराह ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ 5 ओडीआई खेले हैं, जिसमें से 4 विकेट्स जो है बुमराह को मिली है, तो कोई इतना अच्छा खासा स्टैट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बुमराह डेंजरस साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। शामी की अगर हम बात करें तो शामी का भी जो है एक अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जबकि मोहम्मद सिराज की अगर हम बात करें तो मोहम्मद सिराज ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई मैच नहीं खेला। अगर हम प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करें तो कुलदीप यादव वर्सेस बाबर आजम बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है बाबर के लिए। और उसके अलावा शाहीन वर्सेस रोहित जो है ये रोहित शर्मा के लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। और आखिरी और सबसे बड़ा कंपैरिजन अगर हम करने वाले हैं वो हारिस रऊफ वर्सेस विराट कोहली का है, जो कि विराट कोहली ने हारिस रऊफ को तो छक्के जो मारे थे वर्ल्ड कप में, उसका बदला जो है हम होप करते हैं हारिस रऊफ से जो है बोल्ड करेंगे विराट कोहली को, लेकिन विराट कोहली हो सकते हैं एक बार फिर से जो है हारिस रऊफ को बैश करते हैं, क्योंकि विराट कोहली जो है इस टाइम पीक पे चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना स्कोर नहीं करेंगे, और हारिस रऊफ से हम उम्मीद करते हैं कि वो विराट कोहली को आउट करके अपना बदला जो है पिछले साल का पूरा करेंगे। तो ये जो है मेन कंपैरिजन है बाबर वर्सेस कुलदीप, विराट वर्सेस हारिस और शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा। और उसके अलावा अगर हम बात करें शोएब अख्तर की स्टेटमेंट की, तो शोएब अख्तर ने जो है दो बड़ी स्टेटमेंट दी हैं। एक तो शोएब अख्तर ने पहले ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को जो है इंडिया जाना चाहिए और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि वो इंडिया जाके इंडिया को हराए और हम फुल रेडी हैं इंडिया को हराने के लिए। और दूसरी स्टेटमेंट जो है शोएब अख्तर ने दी है वो ये कि रोहित शर्मा जो है वो प्रेशर सिचुएशन में जो है पैनिक कर जाता है। तो इस बात पे जो है मैं भी एग्री करता हूँ कि जो रोहित शर्मा है इंडिया का कैप्टन, वो जब प्रेशर सिचुएशन आती है तो पैनिक कर जाता है, फिर चाहे वो वर्ल्ड कप 2021 हो, वर्ल्ड कप 2022 हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं वो काफी प्रेशराइजिंग होते हैं, और रोहित शर्मा जो है हर बार जो है पैनिक कर जाता है। और कुछ इनिंग्स हैं रोहित शर्मा की जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान को उसने बहुत ही अच्छा तरीके से बैश किया था, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो रोहित शर्मा जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना नहीं चलता जितना विराट कोहली जो है प्रेशर सिचुएशन में जो पाकिस्तान को बैश करता है। तो इंडिया का जो स्क्वाड है ये भी प्रेडिक्शन थी, कल जो है फाइनल हो जाएगा इंडिया का स्क्वाड, तो कल जो है एक और वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जो है कंपैरिजन करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान के लिए थ्रेटिंग स्क्वाड है या इंडिया के लिए थ्रेटिंग स्क्वाड है। अब तक की जो अपडेट थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कि बहुत बड़ा मैच होने वाला है एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, उसमें जो दोनों टीम से स्क्वाड है वो काफी जो है टफ कंपटीशन होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया का। और इसके अलावा अगर मैं एक ऑफ टॉपिक बात करूं तो 13 सितंबर को जो है मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो रहा है, और उसके बाद अगर मोनेटाइज हो जाते हैं तो हम इसी चैनल पे जो है क्रिप्टो टॉक्स के सेशंस भी कंटिन्यू करेंगे, इसी चैनल पे ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू करेंगे, और होप सो कि इन फ्यूचर हम डिफरेंट कॉन्टेंट भी ट्राई करने वाले हैं। लेकिन अगर वो मोनेटाइज नहीं होता तो हम क्रिप्टो टॉक्स का एक अलग चैनल बनाएंगे, ब्लॉगिंग का एक अलग चैनल बनाएंगे, ताकि जो है हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तरह से चला सकें। लेकिन अगर ये मोनेटाइज हो जाते हैं तो हम इसी पे जो है अपनी वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।